तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग भी मेरी तरह एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब से अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो आज का टॉपिक है कि एक अवधेश प्रेमी के सॉन्ग है, मैं उनका रिमिक्स कर रहा हूँ। और तो ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और देखिए पहले इस सॉन्ग को मैं सुना देता हूँ, उसके बाद मैंने दोनों में अंतर बताऊँगा कि प्ले लिस्ट में बनाते हैं हम लोग अगर पैटर्न और ये थीम समझे और इस चैनल पर बनाते हैं। सोचिए अगर पैटर्न में बनाते हैं तो दोनों में क्या अंतर है। जैसे इसमें प्लेलिस्ट में बना दिया बीट और इसमें पैटर्न में, दोनों में क्या अंतर होता है, इसका आज खास तरह से हम लोग खूबी जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा। समझे तो इस तरह का इसमें आवाज़ दोनों में डिफ़ॉल्ट हो जाता है। जैसे देखिए दोनों पैड दोनों सेम ही बज रहा है, दोनों में मतलब दोनों एक ही चीज़ लगा है, जो इसमें लगा है इसमें लगा है, लेकिन दोनों में आवाज़ कम हो जाते हैं। क्योंकि जब भी अगर बनाइए पैटर्न तो अपना प्लेलिस्ट में बनाइएगा तो सबसे परफेक्ट रहेगा, ठीक है ना। और इसका अपना अनुसार इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो बेझिझक आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि प्लेलिस्ट में मैंने जो बनाया है तो किस तरह का है। तो मैं आप लोगों को एक बीट का ही मतलब सुना देता हूँ एक बार का, समझे। तो देखिए यहाँ पर किक लगा हुआ है, वन, सोचिए 1 5 समझे 8 और बार पे, ठीक है। तो इसमें देख लिया ढोलक, वही आप लोग लगाते हैं 4 8 समझे। आपको अपने हिसाब से गिन लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे 1 3 छोर छोर के मेन वार से, जैसे जो काला वाला देख रहे हैं ना, इसको 3 छोर कर लगाते हैं, फिर यहाँ पर काला है तो 3 छोर कर, और यहाँ से इसको जो 2 पार्ट यहाँ गिन लेते हैं, जो छोटा ढोल है उसको वहाँ से गिन लेते हैं, 6 छोर कर लगाना है, फिर यहाँ मेन पे अपना इसका 6 छोर कर गिन, और इसका जो कीक लगा हुआ उसी तरह लगाना है। एक टिम्बल है मेरा, उस पर 2 छोर कर मैंने लगा लिया, सब में जो काला का है 2 छोर कर लगा लिया, ठीक है। और इसमें मैं आप लोगों को इतना सुना दूँ ताकि समझे। तो 150 BPM पर ये बना हुआ है और उन्हीं का था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बना दूं और बना कर बता दूं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है ना। और ये मेरा 2 गाना से मैचिंग कर जाता है, 2 गाना से मैचिंग कर जाता है, लेकिन मैंने इसको इजली इस गाने से लेकर नहीं, जैसे इसमें थोड़ा सा कम बेसी बीट है, जैसे देखिए आगे पीछे इसको करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने इसको समझे। तो इस तरह का इसमें आप लोगों को जो कि इसमें देखे डफ लुक का यूज किया गया है, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा था कि कहीं कहीं डफ लुक है, तो डफ लुक इसमें मैंने चला दिया, ठीक है ना। और हर मतलब कुछ बीट पे मैंने जाके यहाँ से कुछ इसमें अपना हिसाब से इसको कर दिया है, समझे। जहाँ पर भी अगर लगे कि चेंज होने लायक है, यहाँ पर थोड़ा सा अपने हिसाब से तो मैंने पूरा बीट बना दिया है, इसमें केवल लगाना रह गया है। कोड तो आप लोग बोलिएगा इसमें, तो मैं कोड आप लोगों को लगाने के लिए बता दूंगा।
ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जी तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।